placed at the corner, corner पर रख दिया हम, center पर नहीं, corner of a cube, the electric flux passing through the all the six surfaces, ध्यान देना, एक surface से नहीं पूछा, एक surface से पूछेगा तो अलग हो जाएगा, और हमारे पास पहले समझने की कोशिश करो, एक cube है, ये यहाँ पर cube है, अब इस cube के एक corner पर मैंने charge रख दिया, ये मेरा corner है, एक corner, और इस पे मैंने चार्ज रख दिया Q. अब कहता है ऑल द सिक्स फेस, मतलब पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है. अब पूछता है एक सरफेस से, एक फेस से फ्लक्स निकालो, तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता और अच्छा भी होता, बट ऐसा क्वेश्चन हम बार बार करते आ रहे हैं. अब इस जो ये जो चार्ज है, इसको ढकने के लिए, क्लोज करने के लिए मुझे 8 क्यूब बनाना पड़ेगा इधर, समझ रहे ना. क्यों बनाऊंगा, क्योंकि इसको मैं किसी क्लोज सरफेस के अंदर लेके आऊंगा, तब जाके मैं गॉस का थ्योरम लगा पाऊंगा. तो क्लोज सरफेस के अंदर लेके आऊं तो मैं क्यूब बना दूंगा, इसको क्लोज करने के लिए 8 क्यूब मुझे बनाना पड़ेगा इधर, ऐसे बराबर है, 8 क्यूब मुझे बनाना पड़ेगा बेसिकली, जिससे ये क्लोज हो जाएगा. तो इस पूरे 8 जो क्यूब है, 7 बनाने पड़ेंगे, एक होगा, और ये 8 क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा. तो ये जो 8 टोटल क्यूब है, उससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लक्स थ्रू द 8 क्यूब जो हमने बनाया. इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स थ्रू द 1 क्यूब, तो 1 क्यूब से कितना होगा, फ्लक्स थ्रू द 1 क्यूब बाय गॉस थ्योरम, तो फ्लक्स फ्रॉम 5 अपॉन 8, क्योंकि 8 क्यूब है, मतलब क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट बराबर है, तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट. अब ये पूछता किसी वन फेस से निकालो, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता, वो आप करना. अलग अलग फेस है, 6 फेस है, ठीक है. अब यहाँ से किसी एक फेस से पूछता, तो आपका होमवर्क है करना.